ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम हैं क्लास टेंथ, चैप्टर नंबर टू, दैट इज पॉलीनोमियल। और उसका हमने क्वेश्चन नंबर टू के दो पार्ट्स को पहले सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, ठीक है। सो इसमें क्वेश्चन कहता है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलीनोमियल, जो भी फर्स्ट पॉलीनोमियल है क्या वो सेकेंड पॉलीनोमियल का फैक्टर है। सो ये हमको चेक करना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए आइए इसको डिवाइड करते हैं। तो आप इसको लिखने वाले हैं पी एक्स, विच इज एक्स पावर 5 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1। ये हमारे पास में पी एक्स है और इसको हमने डिवाइड करना है जी एक्स से। जी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स प्लस 1। ओके, तो अगर आपने मेरे पहले के दो वीडियो देखे हैं सो आई होप आपको डिवाइड करना आ गया होगा। सो फिर से देख लेते हैं इस पर किस तरीके से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन है दैट इज एक्स पावर 5, ये हमारे पास में क्वेश्चन है और इसको डिवाइड करना है एक्स क्यूब से हमने इसको डिवाइड करना है और साइन भी हम इसमें कंसिडर करते हुए चलेंगे। तो इसका साइन भी है पॉजिटिव, इसका साइन है पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये कितना मिल गया आपको, पॉजिटिव मिल गया। और ये एक्स की पावर फाइव है और इसको एक्स क्यूब से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको मिलने वाला है एक्स स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया ना, एक्स स्क्वायर इज अवर आंसर। नाउ अब हम एक्स स्क्वायर से क्या करेंगे, इन सभी टर्म्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज प्लस एक्स क्यूब को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं प्लस एक्स स्क्वायर से, अगेन माइनस 3x को आप मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर से, अगेन प्लस 1 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हैं उसे भी आप प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस तरीके से। नाउ सो प्लस इंटू प्लस, ये प्लस मिल गया आपको एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपका एक्स की पावर 5। ओके, सेम एज इट इज। सो माइनस इंटू प्लस, ये बन गया माइनस एंड 3 इंटू 1 का 3 बन गया है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका एक्स की पावर 3। नाउ प्लस इंटू प्लस, ये हो गया प्लस और 1 इंटू एक्स स्क्वायर दैट इज 1 एक्स स्क्वायर। ये हमारे वैल्यूज हैं आफ्टर द मल्टीप्लीकेशन। सो इसको यहाँ पुट कर लेते हैं, एक्स की पावर है 5 तो इसको हम इसके नीचे रखेंगे, दैट इज एक्स की पावर 5 है वो प्लस में है। नाउ माइनस 3x क्यूब, माइनस 3x क्यूब क्यूब वाले टर्म के नीचे रखना है, एक्स स्क्वायर इसको हम सिंपली एक्स स्क्वायर वाले टर्म के नीचे रखेंगे। नाउ इसको हम क्लोज कर देते हैं। सो इसका साइन है पॉजिटिव, अब इसका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है अगेन नेगेटिव, ठीक है। सो एक्स की पावर 5 और एक्स की पावर 5 को हमने क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो देखते हैं यहाँ से, ये है हमारे पास में 4x क्यूब और ये हमारे पास में 3x क्यूब, तो सेम नंबर है। तो ये है माइनस 4, ये है प्लस 3, सो दैट इज माइनस 1x क्यूब, आपको ये वैल्यू मिलती है। अगेन प्लस 1x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं और हमारे पास बच रहा है आपको प्लस 3x। तो इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे, प्लस 3x और प्लस 1। तो ये हमारा नया क्वेश्चन तैयार हो गया है, विच इज माइनस एक्स क्यूब माइनस 1x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब फिर से इसको स्टार्ट करेंगे, ये हमारे पास में नया क्वेश्चन है 1x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, और इसका साइन है माइनस और इसका साइन क्या है, प्लस है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन माइनस इंटू प्लस, ये मिलेगा आपको माइनस और एक्स क्यूब से एक्स क्यूब को डिवाइड किया दैट इज 1 टाइम, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, ठीक है। यह उसको डिवाइड करने के बाद वैल्यू आई। अब जो हमारे पास माइनस 1 वैल्यू है, इससे हम क्या करेंगे, इन सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ये है हमारे पास में एक्स क्यूब पॉजिटिव और माइनस 3x और प्लस 1, ये हमारे पास में वैल्यूज हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 दिस वन, सो ये मिलेगा आपको प्लस और माइनस का हो गया माइनस, ये बन गया एक्स क्यूब, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये बन गया आपको 3x और प्लस और माइनस का कितना हो गया है माइनस 1 1 जा 1, ये हमको वैल्यू मिली है। सो पहला है माइनस 1x क्यूब माइनस 1x क्यूब, अगेन वो है आपका प्लस 3x प्लस 3x हो गया, ये है आपका माइनस 1, ठीक है। इसको हमने क्लोज किया और अब इनके हम साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो ये आ गया आपका प्लस हो गया, ठीक है। सो माइनस 1x क्यूब नेगेटिव है, प्लस 1x क्यूब पॉजिटिव है, दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं, प्लस 3x पॉजिटिव माइनस 3x नेगेटिव, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं और 1 प्लस 1 दैट इज ये कितना आ गया है, 2 आ गया है। क्या हम इसको डिवाइड कर पाएंगे फर्दर, नहीं हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बिकॉज अब इसकी जो पावर है ना, तो जो जी एक्स की पावर है वो बड़ी हो गई है इस नंबर से, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, ये मिल गया हमको दैट इज आर एक्स, ये हो गया आपका रिमाइंडर आर एक्स, और जो हमने आंसर निकाला हुआ है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम कहेंगे क्यू एक्स,
अगर तो फाइनल वन दैट इज क्या एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉलीनोमियल? नो, तो हम कहेंगे ये इसका फैक्टर नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें जो है ना वो रिमाइंडर जीरो नहीं आया. अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया है तो ये इसका फैक्टर नहीं है. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर टू कि हमको चेक करना था. इसका ये थर्ड पार्ट था, इसे दो पार्ट पहले पार्ट हमने बना चुके हैं. सो आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा. आप इसको देखिए और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. तब तक हम नए क्वेश्चन की तैयारी करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच. अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. थैंक यू.